हाई एम जेनिफर मिस्ट्री बंसीवाल एंड आई वॉन्ट टू टू सब्सक्राइब टू सिद्धार्थ कनन्स यूट्यूब चैनल एंड यहाँ पर आपको ऐसी ऐसी वो मज़ेदार बातें सुनने मिलेंगी तड़केदार जो आपको कहीं नहीं सुनने मिली ज़रूर सुनेगा बहुत मेहनत किए मैंने बोलने में यार सुनना यानी कि तारक मेहता की रोशन लास्ट फ्यू हैं <laughs> सवाल जवाब तो होता रहेगा, कि आप अंदर से क्या फील कर रही हैं इस so, जब अ लॉन्ग लॉन्ग बैक लाइक जो सब सेवेंथ मार्च को ये सब हुआ था मेरे लाइफ में इट केम आउट इन पब्लिक ऑन इलेवेंथ ऑफ मे तो इट वॉज तब तक मैं बहुत प्यार से खुश हैप्पी हैप्पी थी <laughs> ग्यारह मई के बाद जिंदगी ही चेंज हो गई इट्स लाइक यू नो जस्ट अटेंडिंग फ़ोन कॉल्स यू नो इंटरव्यू ये वो सब चल रहा है कभी बहुत गुस्सा आता है बिकॉज शुरू में बहुत गुस्सा आया था मुझे क्योंकि बहुत सारी चीज़ें थी बिकॉज uh, शुरू से सर ऐसे दाद कि आई एम ट्राइंग टू अवॉयड दिस डिंट वट टू डू एनी थिंग ना इधर वॉन्टेड उनके खिलाफ कोई भी एक्शन लेना ना मीडिया में जाना जाना होता तो में मीडिया में शुरू ही चले जाती है तभी चले जाती है आठ मार्च को क्यों मैं ग्यारह मई तक वेट करती बिकॉज आई डेंट वॉन्ट उनको मैलाइन करूँ कुछ भी आई वॉज जस्ट ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ देर एवरीथिंग ऑफकोर्स आई एम यर बिकॉज ऑफ दैम ने टेकिंग इंटरव्यू बिकॉज ऑफ दैट बट दिन थिंग इज के वो फोर्स करते गए मुझे वो करने के लिए ना फोर्स करता गया यूनिवर्स फोर्स करता गया उन लोग मुझे डराते गए मैं और एक कदम आगे बढ़ते गए फिर डराते गए फिर मैंने एक और, और कदम लिया ऐसे करके जब ये मीडिया में फ़ाइनली आया कि यू नो लोगों का कहना है ये मीडिया में चले गई तो मीडिया में मैं गई नहीं जाना तो तो बहुत पहले जाती बट वैन इट केम आउट इट वॉज़ फर्स्टली मैडनिंग एंड आई वॉज वेरी अपसेट आई आई थॉट कि अभी भी चुप हो जाएंगे बट स्टिल दार्टेड माई लाइनिंग माई इमेज के ओके okay, ये लड़ाई झगड़ा करती थी शूट पे लड़ाई कराती थी एक्टर्स के बीच में लड़ाई कराती थी इनडिसिप्लिन थी डिसऑर्गनाइज थी ऐसा सब बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बोला विच वज वेरी हार्ड हार्ड ब्रेकिंग के यार एवरी वन ऑन सेट यू नो आई आई लव एवरी वन एवरी वन लव्ज मी दैट एवरी वन नोज मैं सबके साथ मैं मेरे मेरी हेरताई के हाथ से खाना खाती हूँ मैं मेरे मेकअप दादा मेरे स्पॉट दादा के प्लेट से मैं खाना खाती हूँ उनको मालूम है मैं सबके साथ बैठती हूँ कहीं भी मैं मेरे लाइटमैन के बाजू में जाकर ऐसे बैठ जाती हूँ हमेशा है ना कभी ऐसा नहीं कि कुर्सी का वेट करो कुछ नहीं एंड सो सो स्टंड के इस तरीके से मतलब जो इन ऑफकोर्स हर्षद सर जो हमारे डायरेक्टर हैं और अरमान और रुशी जो

तो you know, आगे हिम्मत ही नहीं उनको कुछ करने की तो आपको किया जा रहा था क्योंकि yeah. आपको लग रहा था कि बार-बार मिल रही थी पास्ट धमकियां right? yeah. ही हैं वो that जैसे say. कैसे? क्या क्या कॉमेंट लगातार आ रहे थे आपके पास? एक लाइन में कि 2013 तक ऐसा कुछ मेजर इशू नहीं था देन आई वेंट फॉर इन्होंने मुझे निकाला मेरी प्रेगनेंसी में मुझे निकाल दिया कि आप यू कैन नॉट बी पार्ट ऑफ द शो बिकॉज माई ऑन स्क्रीन हजबेंड इज लेफ्ट तो वी आर रिप्लेसिंग यू आई वॉन्टेड टू वर्क आई मैंने बहुत हाथ पैर जोड़े उन्होंने मना कर दिया मैंने ऑप्शन भी दिए कि सर क्लोज अप ले लो कुछ कर लो दे लेफ्ट थ्रो मी आउट थ्रू मी आउट इन फोर एंड हाफ मंथ्स प्रेगनेंसी कौन सा साल था ये दो हज़ार तेरह थर्टी एंड देन वैन माई डॉटर वॉज बॉर्न आफ्टर थ्री ईयर्स यूनिवर्स हैज अदर प्लान्स की जो मेरी जगह आई थी दिलखुश रिपोर्टर शी लेफ्ट द शो सो इसके एक चीज़ मैं बताती हूँ जो आज तक मैंने कभी बोली नहीं है तो दिलखुश लेफ्ट एंड आई आई स्टार्ट गेटिंग कॉल फ्रॉम माई कलीग्स कि जयनी वापस आ जाए ये वो आसिल जी को फ़ोन कर मैंने बोला यार लाइक बहुत ज़्यादा ही जब हुआ तो मैंने बोला चलो लेट मी कॉल मैंने कहा लेट मी प्रे इफ इट इज़ गुड फॉर मी इफ द शो इज इफ आई एम गुड फॉर द शो तो मैं आती हूँ बिकॉज आई ऑलवेज प्रे फर्स्ट दैन आई डू टेक द स्टेप आई डेड एन आसिफ जी ने मुझे वापस बुलाया तो पहले तो अगर मैं इन डिसिप्लिन डिसऑर्गनाइज थी तो इन्हें मुझे वापस क्यों बुलाया होता वहाँ तो वही बात खत्म हो जाती 2018 तक थिंग्स वर गुड नॉट कुछ भी ऐसा बड़ा बड़ा नहीं था छोटा छोटा इश्यूज हुए थे तीन चार बार मैंने मेरे यू नो एकेप माई फुट डाउन प्रोटेस्टेड फॉर फ्यू थिंग्स जिसके लिए मुझे पब्लिकली uh, बैश किया आसिफ जी ने

रेगुलर नाइट शूट चल रहा था और जिस दिन ये फिफ्थ जून को उसका बर्थडे था तो शी शिया के मेरे को आ, आ, हमको सुबह छः बजे पैकअप हुआ और डेढ़ बजे वापस आना था शूट के लिए डेढ़ से अगले दिन सुबह छः बजे तक शूट था तो शिया के मेरा बर्थडे मैं तीन बजे तक आऊँ क्या तो देवर ए शी वज एडजस्ट कर दिया गया बट वो कुछ पिक्चर देखने गई थी अपने हस्बैंड के साथ वहाँ पिक्चर कुछ लंबी निकली राजनीति पिक्चर देखने गई थी वो लौट रही थी एंड वहाँ सोहेल जो हमारा ऑपरेशन हेड है ही स्टार्टेड कॉलिंग हर नॉन स्टॉप एंड शाउटिंग इट हर कि क्या है ये वो मेरे शूट पर आप कब आ रहे हो ये फलाम एंड मतलब वो हम सब उसका वेट कर रहे थे कि शिलकामी रोते हुए दहाड़ते हुए बताए वो कभी रोती नहीं है शी इज वेरी स्ट्रोंग वो रोते हुए ऐसे आई पूरा सामने लो, तो, saw, I, हम लोग क्या हुआ तो वो वी जस्ट हम लोग सब लेडीज खड़े थे सेट पे crew, थे. और ऑल कास्ट एंड क्रू सब खड़े थे एंड आसिफ जी एंड वो ऐसे आ रहे थे एंड शिवजीत सिंह सर 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 ऐसा हुआ सर ऐसा, ऐसा हुआ मेरे मेरे हस्बैंड गुस्सा होके गए मुझे यहाँ से छोड़ के गए कि उनको कुछ होना चाहे उस मतलब शिवजीत सिंह एंड वो आके uh, आसि जी वेकिन बैक कि ये कभी रोती नहीं कभी बोलती नहीं ये ऐसा हो रही तो बहुत बड़ी चीज़ है तो वो चुप थे तो उनने जब तक वो हमारे पास पहुँचे तो ऑल लाइक सिक्स लेडीज़ वी वर स्टैंडिंग एंड आस जी थे एंड uh, शिव से सर 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 पूछे दूसरी लेडीज़ को सोहिल किस तरीके से बदतमीजी से बात करते हैं हम लोग उससे नौकरों से बात जैसा बात करता है तो कोई कुछ नहीं बोला फिर सर पूछे सर पूछे इन लेडीज से तो मी एंड वन अदर कलीग सेड कि सेट के हाँ सर ऐसा तो एकदम से बोला चुप चुप रहो चुछ रहो तो मैं मैंने तो मैंने मैंने कहा शी क्वाइट द अदर वन आई सेड नहीं सर बट इफ दिस इज द फैक्ट सोहेल बहुत बदतमीजी से बात करता है सब सब लेडीज से जूते जैसा ट्रीट करता मैंने इतना बोला है उनने एकदम से ही चुप रहो यूनियन बनाने की जरूरत नहीं है रहो बिल्कुल ऐसे करके उन्होंने मुझे ऐसे किया यासित भाई ने बोला आसिद जी ने मुझे बोला एंड आई जस्ट लुक्ड एट हिम एंड वॉकड अवे आई वॉकड अवे पूरे 200 यूनिट मेरा खड़ा था मतलब दिस इज इनिशियल आई एम टेलिंग यू तब से वो पहले तो से ही से चिढ़ गए कि ये तो सलाह प्रोटेस्ट करने वाली है फंसाएगी किसी दिन तब अभी उनको लगता होगा बट आई आई उस टाइम पे दबा दिया गया मैं बा, मैं बाहर निकली एंड मेरे हस्बैंड वॉज एन सॉफ्टवेयर इंजीनियर दैट टाइम तो मैं तो उनसे फाइव डेज से मिली नहीं थी एंड आई जस्ट कॉल्ड हिम उनको कैंटीन can, में, में मेरा वेट कर रहे थे तो आई जस्ट आई वॉज जस्ट गोइंग टुवर्ड्स हिम एंड देन सडनली पहले तो सोहेल आया और बोले वो जी से बात करो बात करो फ़ोन कर रहे हैं वो आई डेंट पिक अप माई फ़ोन आई डेंट आंसर है सोहेल ने बोला इस पर बात करो मैंने उन्हें फ़ोन पर सॉरी बोला मैंने फ़ोन दे दिया मैंने कहा मेरे को नहीं करना उन्होंने मेरे को मैसेज भी किया आसिष जी ने सॉरी मैंने कुछ रिप्लाई नहीं किया मैं जाने लगी मैं बहुत मैंने बोला मैं नहीं करूँगी वी सीरियल मैं एकदम से बहुत गुस्से से ऐसे निकली तो मालव और अमित मतलब चंपक चाचा ने बोला तो कुछ मुझे चीज़ें समझाई मालव ने बोला मैम ऐसा होता है कभी ये सब यू नो ऐसा जो भी समझाया होगा उस टाइम पर मैंने कूल डाउन एंड वो चीज़ें ओके हो गई सो so, एक तो ये था दूसरा दूसरा वाज नॉट पब्लिकली बट दूसरा वाज आल्सो व्हेन आई आई फॉर द फर्स्ट टाइम वो तो बिल्कुल इससे भी पहले का है विद इन सिक्स मंथ्स ऑफ स्टार्टिंग तारक मेहता बहुत छोटी सी चीज़ थी कि नौ बजे की हमारी शिफ्ट थी नौ से नौ यूनिट रात को दो बज गए थे प्रिया प्रिया आउजा शी वटेड बिस्किट स्पॉट दादा से उसने बोला मैंने मैसे ही खड़ी थी उसने बोला स्पॉट दादा बिस्किट है उसने बोला नहीं बिस्किट तो नहीं है मैम खत्म हो गई तो उसने बोला बहुत भूख लगी ऐसे करके वो अपना चले गई तो मैंने जाके बोला स्पॉट दादा क्या है वो भूख लग रही है नौ बजे की शिफ्ट है आप लोग खाना तो मंगाते नहीं हो कम से कम बिस्किट तो रखो यार अब ये मैं बोल रही थी तो आशिश जी ने सुन लिया वो होंगे सेट पे ओके क्या है दूसरे के लिए क्यों बोल रहे हो किसी के लिए बोलेगा अपने लिए बोलेगा तुम्हारे लिए वो खड़ी रहेगी कभी अपने लिए खड़ा रहने का दूसरे के लिए नहीं करने का आई लाइक like, यार डू हैव ह्यूमैनिटी वो लड़की भूखी है रात को दो बजे मैं होती प्रोड्यूसर तो मैं बोलती मेरे घर के नौकर को भाई कुछ खाना बना के भेज दे तुम उसको चुप करा रहे हो मुझे भी चुप करा रहे हो बट वो फिर वेथ टाइम भूल गई मैं तो यही मानती हूँ यूनिवर्स ने यू नो आई बिलीव इन करमा सो दैट तब मैंने प्रिया के लिए कहीं स्टैंड लिया था आज में मेरे लिए स्टैंड ले रही है सो so दीज और भी इंसिडेंट्स तो और थे तो ये विद टाइम 2018, 2018 तक ओके था चीज़ें बट 2018 से बहुत एक्सट्रीम मेंटल हरासमेंट हुआ चालू स्पेशली सोहेल का मेरे हाफ पर डे काटा गया मेरा आ, मेरा पैसा रोक लिया गया मैंने ये सब चीज़ के लिए आसफ जी के से जाके बात की उनको बोला तो आसिफ जी ने सोहेल से बात करो सोहेल से बात करो एवरी टाइम देन इन 2019 आ, मार्च सिंगापुर में आसिफ जी ने मुझे सेक्सुअल चीज़ें ऐसा बोली वर्बल बट तब उनके इंटेंशंस मुझे बहुत ख़राब लगे बिकॉज वाइब्स uh, समझ में आ जाती हैं कि जिस तरीके से वो पहले एक दो बार उनने एक दिन कुछ बोला कह रहे तुम्हारी एनिवर्सरी तो आज खत्म हो गई आज जाओ रूम में बिस्की पीते हैं देन सेकेंड डे उन्होंने बोला अरे तुम्हारी uh, रूम पार्टनर तो रात भर रूम से बाहर रहती है तुम क्या करते हो जाओ रूम में तब तक मैंने इग्नोर किया थर्ड डे जब उन्होंने मेरे को बोला एकदम धीरे से पास में आके तुम्हारे होंड बहुत सुंदर है ऐसा लगता है पकड़ के किस कर लो वहां है यार, is, you know, से एक ने कुछ नहीं किया एक डिप्लोमैटिकली उनको ऐसे बार बार मेरे सामने थे वो <laughs> नहीं, मैं नहीं ले सकती मुझे बचाया मैं कैसे से, एक ने तो बोला है

एंड uh, उस टाइम से बहुत सारी मैंने टू थाउजेंड नाइनटीन में भी बोला था सोहेल को कि मुझे छोड़ना है मुझे बहुत धमका के दबा दिया गया आपका पैसा रोक लेंगे चार महीने का आप छः महीने तक छोड़ नहीं सकते जब तक आपको uh, हम बोलेंगे नहीं तब तक आपको शूट करना पड़ेगा छः महीने तक हो सकता है हम आपको बुलाएं हो सकता है, ना बुलाएँ हो सकता आप घर पर बैठो आप बाहर भी काम नहीं कर सकते मतलब कुछ भी नहीं मतलब मैं कह रूँ मैंने बोला है तो ये मेंटल हेरासमेंट में तो चुपचाप वापस रह गई बट यूनिवर्स हैज़ अदर प्लान्स टू कम आउट लाइक द क्वेश्चन यू आस्ट के सेवन्थ मार्च को ये सडनली आई फील दिस इज़ यूनिवर्स प्लान की जो मुझे वहाँ से निकाला है बिकॉज इट कुछ बड़ी बात नहीं थी मुझे दो घंटा मेरी बेटी के साथ होली खेलना था इसके पीछे ये पूरा इशू है एंड uh, जो डायरेक्शन टीम ने नहीं एडजस्ट uh, किया आई एम श्योर अगर मालूम होता तो वो ऐसे हो जाता बिकॉज वो बहुत अच्छे से सबको बैलेंस कर देता था, था वो हमेशा ध्यान रखता था कि एक्टर्स का भी लाइटमैन का भी आ, सब यूनिट मैम का मेकअप कैमरा एवरी वन वो सबका ध्यान रखता था सबको माला भाई चाहिए होता था एवरी वन मतलब यू नो इट वॉज लाइक हम जानते हैं पीठ पीछे सब माला भाई नहीं ओ आज माला भाई नहीं ऐसा होता था और अभी वो सब लोग मालव के खिलाफ हो गए जस्ट बिकॉज ही यू नो ही स्टूड फॉर मी एंड उसने कुछ मेरे लिए नहीं खड़ा हुआ है उसने जैसे जब आप इतने सारे इंटरव्यूज दे रही हैं आप मुझसे कह रही थी कॉन्वर्जेसन से पहले कि आपका हेल्थ अफेक्ट हो गया था आपकी बेटी का भी हेल्थ अफेक्ट हो गया था उनको पूरा समझ आ रहा है कि क्या हो रहा है आपके साथ नॉट एग्जैक्टली बट ये जब मैं करने जा रही थी तब मैंने और मेरे हस्बैंड ने मयूर ने हम दोनों ने उसको बताया कि अभी ऐसा कुछ करने जा रही हूँ मैं एंड पीपल माई टास्क योर फ्रेंड्स माई टास्क यू कोई भी आके जो होता ना टिपिकल गॉसपिंग लेडीज माई टास्क यू समथिंग सो यू हैव टू अवॉइड बोला ये जो है मम्मा डैडा की बात है मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है बट शी वॉट है एक्सप्लेन सो आई टोल्ड के आसत अंकल ने कुछ चीज़ें ऐसी बोली हैं जो नहीं बोलनी चाहिए शी एस वॉट आई सेड लाइक यू सेड वॉन्ट टू किस मी तो बोले तो मैंने कहा नो मम्मा इज अलाउड टू किस ओनली डैडा तो शी सर मुझे नहीं किस कर सकते हो आप मैंने कहा नहीं नहीं तुमको कर सकते हैं बट नॉट सम आई मेडर एक्सप्लेन लाइक दिस बट शी इज़ वेरी कोऑपरेटिव एंड शी इज़ वेरी न्यूट्रल शी इज़ वेरी डिटैच टच वेरी बट यह है कि हाँ वो बहुत मेरे पर कभी भी लाइफ में कुछ भी आता है हमेशा जब से वो है शी टेक्स माई एनर्जी मतलब शी प्रोटेक्ट्स मी ऑलवेज वो मेरी नेगेटिव मेरे पर कुछ आता है ना वो ले लेती है तो हमेशा बीमार ऐसे पड़ जाती है वो सो so, यानी कि जो आपके साथ हो रही है वो भी फील करती है तो yes, so, वो भी बीमार पड़ी थी अभी यस यस आई मैं भी बहुत बीमार पड़ गई थी मेरी पूरा ये uh, मतलब जिस दिन तो मैं ये करने जा रही थी एफआई ये अपना स्टेटमेंट uh, देने जा रही थी नोटिस उस दिन ही मेरा पूरा सब च, श, सोलर प्लस चेस्ट ब्लॉक हो गया था एंड आई वाज क्राइंग एंड आई वाज मैंने मेरे हस्बैंड को बोला वी डू रेखी सॉट ऑफ हीलिंग तो उन्होंने मेरा चक्रा सेटिंग ये वो सब किया मैंने और मेरी दो हीलर्स से मैंने बात बात किया तो उन्होंने uh, मैं इतना डर गई थी कि मैं क्या कर रही हूँ यार इतना बड़ा प्रोड्यूसर जैनी आई यू एन योर सेंसेिस वट आई गोइंग टू डू तो आई कॉल टू ऑफ माई हीलर्स तो वन वॉज उन्होंने कॉल नहीं उठाया उस टाइम दूसरी जो थी उन्होंने मुझे बोला मैंने बोला कि यार ऐसा ऐसा हो रहा है उन्होंने बोला जैनफर यू हैव टू गो विद द फ्लो मैंने कहा यार

ऑनेस्टली कहीं okay, डर लगता है क्योंकि आपने ऐसे ऐसे एलिगेशन डाले जैसे मैंने कहा सिस्टम हिल रहा है आपको कहीं डर लग रहा है कि कुछ आपके साथ गलत हो सकता है दिस इज वेरी फनी सो ऐसा नहीं जिस दिन मैंने बताया कि एट्थ ऑफ अप्रैल को मुझे डर लगा था जो मुझे करना था ये फाइल उसके बाद नहीं लगा डर जब ये सब बाहर आया तब तो डर बिल्कुल नहीं लगा Allah, जिस दिन मैं ये पुलिस टे, पुलिस स्टेशन में ये करने जा रही थी एंड uh, मैंने रिपोर्ट किया एंड सब चीज़ लिखाया सवा छः घंटे लगे देन वी केम ट्वेंटी फोर्थ मे की बात है ये एंड देन अभी मुझे तीन चार दिन पहले वापस बुलाया था जस्ट पूछने के उनको इन लोग का ई मेल आर नॉट रिप्लाइंग सो दे वॉन्टेड अस जी सोहेल एंड जत्न फोन नंबर यानी देश द पुलिस स्टेशन तो उन्होंने मुझे वापस बुलाया एंड वेन सिटिंग देर एंड मुझे ऐसे विजुअल आ रहे थे ऐसे तो वेब सीरीज टाइप के विजूअल आ रहे थे कि मैं और मेरे हस्बैंड ऐसे बैठे हैं अभी वहाँ से कोई ऐसे आएगा और ऐसे करके तीन गोली मेरे को मारेगा मैं ऐसे आईर ऑन गॉड मुझे ऐसा विजूअल आ रहा था ना मैंने उस टाइम तो और जतिन पता नहीं नहीं ये कोई मेरे को तीन गोली मारेगा मेरे कोई कोई को, इन एनकाउंटर करने के लिए रखा होगा मेरे को कोई गोली मारेगा और मैं गई अब मैं अंदर से हंस भी रही थी डर भी रही थी मैंने कहूँ मैं लिख शक हुआ जितनी सी देर मिलके के आई हूँ मिलकर भी नहीं आई हुई ना ऐसे सब बहुत चल रहा था वॉइस ओवर वो कुछ नहीं था ये सब उन नंबर लेने बुलाया था एंड वो सब हो गया फिर मैंने रास्ते में, में मेरे हस्बैंड को बताया तो ये सब दिखा पागल है यार ये कुछ कुछ भी सब तुम्हें तुम्हारे सेफ्टी का डर है नहीं बिल्कुल नहीं आई हैव माई गॉड आई हैव माई एंजल्स विद मी आई एम ऑलवेज प्रोटेक्टेड नो मैटर वॉट कभी भी ऐसा नहीं हुआ एंड द वन थिंग इज के आसित जी का नहीं मालूम मुझे सोहिल जत्न नोज हाउ स्परिचुअल आया उनको मैंने बहुत सारी चीज़ें शेयर किए मेरे अबाउट माई स्पिरिचुअलिटी हाउम प्रोटेक्टेड हाउ आई सी स्पिरिट्स दे कम टू मी फॉर हीलिंग बहुत सारी चीज़ें उनको मालूम है सो दे नो ऑल द रिस्पेक्ट तो ऐसा कुछ होगा नहीं एंड दे आर ऑल्सो ऐसे नहीं है लोग ऐसे नहीं हैं इतना नहीं गिरेंगे इतना उन लोग विद टाइम थोड़ा सा ट्यूनिंग चेंज हो गई इनकी बाकी दे आर नॉट बैड पीपल इज इज ही मोस्ट पैशनेट प्रोड्यूसर इन द होल इंडस्ट्री मुझे उनके जैसा पैशन हो तो कोई कहां से कर लेगा लेकिन वो पैसा आने से जो वो भगवान समझने लगे ना वहां गड़बड़ हो गया पर पर नहीं इस पर मैं करता डिस पैसा आने से इंसान को घमंड आ सकता है ईगो आ सकता है पर पैसा और सेक्सुअल हैरेसमेंट कैसे इंटर रिलेटेड है बाबा वो पहले उन्हें देखो जब से मैं शुरू से आ, सीरियल में थी तो लाइक आई एम अ पारसी इट्स वेरी कॉमन टू ड्रिंक हमारे फंक्शंस में तो आई यूज टू जैसे हमारे सोशल फंक्शंस होते तीन चार बार साल में से होता है तो उन्होंने मुझे फर्स्ट जब मैं जॉइन किया था आई थिंक एक महीने के अंदर उनने मुझे पूछा था सेट पे वा आए तो थे उन्होंने मेरे को बोला तुम पारसी हो तुम क्या तुम ड्रिंक तो करती होगी तो मैंने कहा हाँ बोले क्या पीती हो मैंने कहा बिस्की तो खूब हंसे थे खूब ज़ोर जो से अरे तुम तो बड़ी बिंदास हो विस्की बोलती हो तो मुझे ऐसा लगा हाँ तो क्या है उसमें मतलब ओके नो बिग डील ऐसे करके मैं निकल गया फिर वो मुझे आठ दस बार ऐसे बोलते रहे मस्ती माँ ओबिस की पिता ओबिस मस्तम मस्ती थी कई बार वो ऐसे करके ये भी करते थे एक दो बार गाल खींचा था पहले उनने मेरा कि हंसते हो ना बड़ी क्यूट लगते हो तुम तो ऐसे ही हंसता रहा करो तुम तो उसे उदास मत हुआ करो वो आयरन बहुत क्वान्टिटेट भी थे थोड़ी देर में वो अगर मैं रोने लगी कुछ बात पे तो तुम रोती हो ना तो मेरी टीआरपी बढ़ती है ऐसे ही रोया करो वो ये भी बोलते थे तो आफ्टर दैट uh, उनने इंडिया में कभी ये नहीं किया लेकिन मे बी वेन इट इट वॉज आउट ऑफ इंडिया तो शायद उनको ऐसा लगा होगा कि पारसी लड़की है बिस्की पीती है और uh, शायद आ जाएगी जो भी ऐसा लगा होगा तो वहाँ पर उन्होंने जो ट्राई माला दैट वॉज द हमारे असद मोदी तो है ही सोहेल रमानी आपके ऑपरेशनल हेड है जतिन बजाज भी एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर है क्या ये तीनों इक्वली रिस्पॉन्सिबल है जो सारे चीज़ें हुए हैं आपके साथ और बाकी सबके साथ तीनों इक्वली इन्वॉल्व हैं मैं मेरे साथ बात करूंगी तो आसिफ जी जो सेक्शुअल अगर हम उसको प्रॉपर सेक्शुअल वर्ड लेते हैं तो सेक्शुअल हरासमेंट इन लिटरल सेंस आसिफ जी ने क्योंकि उन्होंने वर्बल बोला है बहुत सारी चीज़ें बोली है मुझे फ़ोन कॉल पे बोला है उन्होंने सामने बोला है वाइब्स फील किए हैं उन्होंने बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बोली है दिस आफ्टर टू थाउजेंड से पहले उन्होंने बहुत कैजुअल लगते थे 2019 के बाद उनका मुझे भी फील हुआ सोहेल एंड जतिन ने ऐसा कुछ नहीं किया लेकिन सोहेल ने लाइक मी टू गेट आउट चार बार बोल के मेरा कार का दरवाज़ा जोर से बंद किया नहीं सेड uh, के रिप्लेस करो इनको एंड देन जतिन मेरी कार के पीछे कैसे खड़ा हो गया एंड uh, कार मेरी निकलने नहीं दे रहा था उसने दरवाजा बंद कराया दरवाजा बंद करो उनको बाहर नहीं निकलने देना सो अकॉर्डिंग टू माई लॉयर ऑल दीज थिंग्स कम्स अंडर सेक्शुअल हरासमेंट एक्ट दैट द कोर्ट विल डिसाइड कैसा है तो जतिन इसमें लीस्ट कल्प्रिट है बिकॉज उसने सिर्फ दरवाज़ा बंद किया था दैट टू आई एम श्योर उसने सोहेल के कहने पे किया होगा बिकॉज ही वॉज टॉकिंग टू सोहेल आई एम हंड्रेड परसेंट श्योर आई वी नो जतिन ही इज़ नॉट यू नो बैड एट ऑल सोहेल वॉज वॉज वेरी 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 एंग्री एंड दबाने वाला डोमिनेटिंग पर्सन जिसने मुझे मेंटल हरासमेंट मेरे लाइफ का पूरा अगर आप ले लो दुनिया में जितने लोगों ने किया होगा वो भी उतना उसने मेरे को कुछ साल में किया है बहुत साथ, बहुत परेशान किया लेकिन लास्ट दो साल में उसने अपने इश्यूज़ पे कंट्रोल कास्ट कास्ट एंड क्रू के साथ मेंटल हरासमेंट किया है आसिफ जी का डिपेंड्स उनके मूड के ऊपर है तीन चार उनके फेवरेट है उनके साथ वो बहुत प्यार प्यार से रहते हैं बाकी कौन <laughs> अरे बोलो बात तो कर रहे हैं जो तो लोग जो लोग ज्यादा दिखते हैं टीवी पे वो है नाम बोलो ना कौन है जेन्युइनली मैं ऑनेस्टली आई नो तारक मेहता बहुत पॉपुलर है मैंने देखा नहीं है देखिए तो, कुछ लोग सो द थिंग इज कि सम पीपल आर वेरी आई विल से प्रोफेशनल फ्रॉम द बिगनिंग सो दे आर बीइंग ट्रीटेड लाइक दैट ओनली कौन है वो लाइक like, पहले शैलेश जी थे हमेशा से प्रोफेशनल थे वो हमेशा नहीं? से एक डिस्टेंस मेंटेन ही किए थे नहीं? हम सब से मतलब एक होता ना कि वो शो से Uh, तारक मेहता में आने से पहले ही वॉज अेस ही वॉज अ नोन नेम तो उनका ऐसा था दिलीप जी हैं ही वॉज अ नोन नेम ऑफकोर्स उनके कारण तो तारक मेहता चलता है uh, और दो तीन जन हैं जो विथ टाइम विकॉज ऑफ देयर ऑफकोर्स एक्टिंग स्किल्स अफकोर्स डिप्लोमेसी जो मैं ज़िंदगी में नहीं सीख पाऊँगी एंड पटाने केवल सबको इधर इधर करके सबको पटाने वाला तरीका वो वेरी डिफिकल्ट तो वो चीज करके वो धीरे से यू नो उनने वो एक अपना एक बना लिया एक बेस बना <laughs> एक बेस क्या बना नाम बताओ ना। <laughs> अरे आप इतनी <laughs> कैंडेड हो चुकी हर जगह आपने तो बोला तीन नाम लेने में क्या है आपको फिर नहीं नहीं अभी देखो उसमें अभी नहीं ऐसे देखो आई कैन टेक नेम ऐसा कुछ नहीं है तो फर्स्ट इज अमित भट्ट चंपक चाचा तो वो अपना काम अपने तरीके से करता है ऐसा सो uh, so अगर उसको कुछ इशू है तो वो अपना जाके बात कर लेगा आसिफ जी को वॉडेवर ये ऐसा है एंड वॉड एवर ही पुट हिज फुट डाउन ये पता है सबको श्याम जी हैं श्याम पाठक पोपटलाल, वो हमेशा स्वीट ही रहते हैं लेकिन वो अपना मुझे नहीं मालूम वो किस तरीके से काम करते हैं वो मुझे आज तक समझ भी नहीं आया मुझे सीखना है उनसे ही इज़ वेरी यू ना uh, उनका वो uh, मैं पकड़ नहीं पाई आज तक क्या वो किस तरीके से वो यू नो जाला बनते सॉरी शाम जी और And और तीसरा तीसरा मंदार चंदवड़कर तो वो टिपिकल आ, आ, क्या बोलेंगे ना सबको ऐसे जादू करने वाला कि सब पे स्पॉट से लेके एवरी वन सबके साथ उसके रिलेशन अच्छे हैं कभी कुछ होगा नहीं सबको पटाके रखेगा मतलब मैं शो में तीन साल ही वॉज माई क्लोजेस्ट फ्रेंड मैं तीन साल शो में नहीं थी ही वॉज द ओनली वन हु वॉज इन टच विथ मी एक्सट्रीमली मतलब रेगुलरली बट उसका यह है कि इज वेरी डिप्लोमेटिक एंड इज वेरी जो उसके जैसा होना चाहिए वैसा एक्चुअली मैं ये बोलूँगी उसके जैसा होना चाहिए कि जो ना सबको पटा के रखने वाला वो वो नहीं आता हमको आता। मंदार और आप <laughs> अच्छे दोस्त थे अभी भी मैं तो मानती हूँ कहीं, कहीं कोई कोई दूसरे डायमेंशन में होंगे और फिर जब आप नहीं थी शो में तब भी वो आपके साथ टच में थे यस yes. पर उन्होंने आपके खिलाफ क्यों बोला फिर दैट्स uh, मेरे लिए भी ये मिस्ट्री है कि ऐसा क्यों बोला आई वाज वेरी आई वाज नॉट हर्ट आई वाज नॉट आई वाज सरप्राइज्ड कि कैसे बोल सकता है यार कैसे बोला है मतलब आई डोंट इवन ही वाज द वन हु न्यू ईच एंड एवरीथिंग आज चौदह साल से मतलब शो चालू होने के एक आध साल बाद हमारी ज़्यादा अच्छी जो जमने लगी उसने उसकी वाइफ स्नेहल हम लोग के अच्छे से जमने लगी लेकिन अभी जब जिस दिन तारक मेहता से मैं निकली सात मार्च को उसके बाद तीन चार दिन बाद उसका फ़ोन आया एंड उसके बाद हर पाँच दिन में उसका फ़ोन आता रहा और हर बार हर दिन मुझसे पूछ रहा क्या चल रहा मैंने कहा कुछ नहीं भाई मैं अच्छे से मेरे घर में बैठी मेरे को कुछ नहीं करना मेरे को वापस भी नहीं, नहीं। बोले जी नहीं तुम एक बार आसिष जी को अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू समझाओ कि क्या हुआ मैंने कहा मंदार इतने सालों से आशिष जी हैं यू नो मुझे जानते हैं कांट ही कॉल मी वंस आई अंडरस्टैंड इट्स प्रोड्यूसर्स यू बट अगर तुम फैमिली फैमिली करते हो तो कांटी कांट यू कॉल मी वंस कि जैनी वॉट हैपन आई वॉज नॉट देयर वॉट हैपन ऑन द सेट क्या हुआ मुझे बोल मैंने बोला मेरे अब आई वॉज गेटिंग गाइडेंस फ्रॉम द यूनिवर्स कि डोंट कॉल डोंट कॉल तो मुझे बहुत सारे जन ने बोला कि कॉल करो उनको बताओ ये वो ऐसे ही मंदार भी करता रहा देन सेक्शुअल हरासमेंट मैं करने वाली हूँ सबसे पहले मंदार को पता चला क्योंकि सोहिल को मैंने जैसी भेजा तो ट्वेंटी फोर्थ ऑफ मार्च सो सेवन ऑफ मार्च आई वॉज माई लास्ट डे ट्वेंटी फोर्थ ऑफ मार्च सोहिल ने मुझे एक ई मेल और ड्राफ्ट भेजा जिसके मैं लिखा है कि ये सब पैसे हमारे खर्च हुए मेकअप हेयर राइटर्स एंड ये सब पैसे आपको देने पड़ेंगे एंड वी विल टर्मिनेट योर सर्विसेज इफ़ यू आर नॉट गोइंग टू रिप्लाई विद इन सेवन वर्किंग डेज मैंने फोर्थ ऑफ अप्रैल को उनको ओनली ड्राफ्ट ओनली ड्राफ्ट एक पीडीएफ विदाउट साइंड सोहिल को मैंने ओनली व्हाट्सएप पे भेजा सिर्फ डराने के लिए कि ये बात यहीं ख़त्म हो जाएगी मेरे को नहीं करना आपने बोला ना कि कैसे यूनिवर्स ने फोर्स किया मुझे नहीं करना था ऐसे फोर्थ ऑफ अप्रैल को मैंने किया एंड फोर्थ अप्रैल को रात को ग्यारह से लेकर सुबह आठ नौ बजे तक मंदार के चार पांच फ़ोन कॉल मैसेज ये वो आई हाई यू वाई नॉट पिकिंग अप फोन विथ तो चार साल में चार फोन नहीं किया मुझे तो मैं ऐसा मैंने जब कॉल किया आई वाज इन माय योगा क्लास इन दॉर्निंग आई एन आई कॉल दिम बैक कि क्या हुआ ऐसा वैसा सोहिल बोल रहा था तो मैं सेक्शुअल हरासमेंट का करने वाली हूँ मैंने कहा तो बोले जिनी शो का तो सोचो मैंने कहा शो विल गो ऑन मेरी दुआएं हैं भाई लेकिन एक फैक्ट अपनी जगह है और ये चीज़ अपनी जगह है मैंने कहा तेरे को सब कुछ मालूम है यू नो ईच एंड एवरी थिंग सिंगापुर में क्या हुआ तो ये भी तेरे को मालूम है उसको कैसे मालूम था आपने बोला था मैंने बोला था एंड उसने कुछ नहीं किया था उसको तब भी मालूम था अभी भी जब मैं उसको एक घंटा ऑलमोस्ट फ़ोन पर बोलती रही फोर्थ अप्रैल मतलब फिफ्थ अप्रैल मॉर्निंग को एक घंटा मैं उसको फोन पे बोल रही तो फिर वो हाँ 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 क्यों कर रहा था फिर बोल देता नहीं जेनी तू तो झूठ तो बोल रही है तो हाँ मैंने बोला तेरे को ये भी मालूम है ना कि सुल ने मेरे पैसे रोके थे तेरे को ये भी मालूम है ना कि uh, तेरे सामने मंदार वॉज द वन हु इज़ देयर जब दरवाजा बंद किया गया जब गेट आउट करके चला गया ही वॉज द वन हु इज स्टैंडिंग देयर क्योंकि वो ऐसे आ रहा होगा और मैं निकल रही थी ऐसा हुआ तो uh,

तब तक मुझे मालूम था कि किसी की तरफदारी नहीं करेगा ही विल अगर वो मे, मेरा क्या वो अपनी यू नो you know, वाइफ की भी तरफदारी नहीं करेगा लेट मी टेल यू पब्लिकली ट्रस्ट मी आई नो उसकी वाइफ मेरी बेस्ट फ्रेंड है कभी नहीं करेगा वो। उसलिए क्योंकि वो ऐसा ही है वो बहुत क्या बोलते हैं ना बैलेंस्ड टाइप है इट्स ऐसा नहीं बोल रही कि मैं गलत चीज़ है लेकिन ये उसका उसका लुकआउट है उसका नेचर है मालव और प्रिया को छोड़कर कोई नहीं आया आपके सपोर्ट में मोनिका 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 के तीन हाँ तो इतफाकन uh, तीनों शो के बाहर हैं लेकिन मोनिका इज अ बिंदास गर्ल बहुत स्वीट लड़की है एंड ऐसे है वो एकदम तो बंदूक की गोली है मतलब उसको तो आप ऐसे करोगे ना वो तो सब <laughs> मैं तो थोड़ा थो 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 कंट्रोल करके रोकी कि सब नहीं बोल रहे नहीं पर तो ने, और ने मुझे बोला हाँ, कि मोनिका शो के दौरान हाँ, हमेशा स्ट्रेस में में थी हाँ, हाँ, मतलब मैं सो व्हेन आई आई लेफ्ट 2013 वेंट फॉर माय डिलीवरी तब मोनिका आई थी तो तीन साल मेरा और मोनिका का कॉमन नहीं था व्हेन आई वाज नॉट देर थ्री इयर्स शी वाज देर तो वो तीन साल मुझे मालूम नहीं बैक तब हमारी हाई हेलो ज्यादा सीन्स नहीं होते थे हमारे पर मुझे एक इंसिडेंट अच्छे से याद है मोनिका का ये अब क्लियर हुआ कि क्या हो रहा था उस टाइम पे। अभी मुझे उसने चार पांच दिन पहले ये बताया कि ये उस दिन हुआ था जब आप अपन बात कर रहे थे तो वी वर सिटिंग एंड दैट वाज सेप्टेम्बर 2017 थाउजेंड आई थिंक 17 और नाइनटीन 19 था 19। तो हम ऐसे बैठे थे एंड नवरात्रि का शूट चल रहा था तो मैं और मोनिका से बात कर रहे थे एंड आशीष जी ऐसे आए एकदम से उनने मेरे को बोला फालतू लोगों के साथ बैठ के नहीं बात करने का चलो उठो ऐसे फालतू लोगों के साथ मत बैठा करो तुम मैं ऐसे दिख रही है मेरे को कौन फालतू लोग के साथ बैठी मैंने कहा मैं तो मोनिका के साथ बैठी मैं ऐसा मुझे स्ट्राइक ही नहीं हो और मोनिका को बोलते दूसरों को मत भड़काओ दूसरों को मत भड़काओ मुझे मेरे लिए टोटल स्ट्रेंज था ऊपर गया मैंने कहा क्या हुआ पता नहीं मैंने मोनिका को कॉर्नर में लेकर कुछ चिल्ला रहे थे तो अब मोनिका ने बताया कि जेनेफर उस टाइम पे मेरा पैसे का लड़ाई चल रहा था और मुझे कॉर्नर में ले जाकर खूब भड़काया था उन्होंने धमकाया था कि तुम दूसरे आर्टिस्ट का मत वो करो हम दोनों नॉर्मल कुछ बात कर रहे थे हम दोनों कुछ इस बारे में बात ही नहीं कर रहे थे कुछ मालूम ही नहीं था सो so, उनका ये था ना कि यूनिटी उन ब्रेक करके रखी है क्या आपको लगता है कि जितने भी एक्टर्स इस वक्त कंटिन्यू कर रहे हैं शो पर बॉन्डेड लेबरर्स की तरह है हंड्रेड परसेंट नॉट हंड्रेड परसेंट है लेकिन नॉट हंड्रेड परसेंट पीपल बट यू नो उनने अपना अब इतने साल हो गए ना तो एक अपना तरीका बनाया है कोई डायरेक्टर को फ़ोन करके पटाके टाइम एडजस्ट करके आता है कोई फुट डाउन करके आता है कोई डिप्लोमेटिकली आता है किसी ने लड़के आता है सब सबका अलग अलग तरीका है पर इनके अलावा ये जो कुछ परसेंटेज छोड़ के नाइन्टी परसेंट ऑफ द पीपल आर लाइक माने कुछ भी हो वो चुपचाप सहन करेंगे क्योंकि उनका पर चल रहा है पॉपुलरिटी चल रही है घर चल रहा है इसलिए कुछ भी हो उनके साथ वो दबा के रहेंगे उनके साथ या किसी और के साथ वो चलता रहेगा क्योंकि उनको मालूम है घर में बैंक में इतना पहुंच रहा है पॉपुलैरिटी चल रही घर चल रहा है ये भी है एंड uh, अभी जैसे जब तक सेक्सुअल हरासमेंट वाली बात बाहर नहीं आई थी सेवन्थ मार्च से इलेवेंथ मे के बीच में तो कुछ लोग जो ऐसे थे उन लोगों ने ये भी बोला मुझे जो अभी भी शो में है कि जुलाई में कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने उन्होंने वाट लगाने वाले आसिफ मोदी की ऐसा भी बोला है बोला तो है देखते हैं आगे तो मतलब फ्रस्ट्रेटेड काफ़ी लोग हैं वहाँ मेजॉरिटी बट बोलने की किसी की हिम्मत नहीं है मेरी मैं भी होती तो शायद नहीं थी मेरी वो तो यूनिवर्स ने लात मारी तो मुझे करना पड़ा शैलेश लोड़ा जी ने कहा था कि उनको पेमेंट्स नहीं मिल रहे थे इनफैक्ट uh, असित की टीम ने कहा है कि उन्होंने रीच आउट किया उनको पेमेंट्स के लिए पर वो उनके साथ टच में नहीं हो पा रहे थे शैलेश जी के साथ आपकी बात हुई है शैलेष जी से शैलेश जी से हाँ मेरी बहुत बार बात हुई है uh, मतलब टिल व्हेन ही लेफ्ट तो पहले तो हमको मालूम ही नहीं पड़ता है कैसा कुछ कोई चला गया है जेन्यनली हमारे मेरे तो बहुत ही वैसे ही कम शूट होता था उस टाइम पे तो कितनी बार 20 20 दिन घर पे बैठे तो मालूम ही नहीं पड़ रहा कौन गया क्या आया पर जब पता चला कि शैलेश जी तो नेचुरली नहीं है तो पता चलता ही है क्योंकि दिन में हर दो तीन दिन में एक बार उनका फ्रीज जो शूट है वो तो होता ही है तो वो आ, मैंने जब मुझे पता चला कि वो नहीं है एंड वो नहीं आ रहे हैं एक आई थिंक एक दो महीने हो गए जब कंफर्म हो गया कि अब वो नहीं आ रहे हैं देन आई कॉल्ड हिम तो बहुत देर बात हुई मेरे को मैंने कहा सर ऐसा मत करो शो छोड़ के क्यों आप जा रहे हो बोले नहीं जेनी मैंने कहा सर आ जाओ वापस आपके आपकी जगह कोई नहीं ले सकता ऐसा मत करो बोले जनी ये मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट की बात है मैंने कहा सर वो मुझे मैं रोने लगी मुझे याद है मैं बहुत रोने लगी मैंने कहा सर ऐसा मत करो प्लीज़ सर ऐसा मत करो यार टीम मत तोड़ो बोले नहीं नहीं जेनी नहीं हो, हो पाएगा प्लीज़ जेनी फिर मैंने एक बार उनको मैसेज किया फिर एक बार मैंने उनको इंस्टा पे भी मैसेज किया मैंने कहा सर वापस आ जाओ तो उन्हें बोला नहीं नहीं जेनी नहीं हो पाएगा बस दैट वॉज इट उनका सेल्फ रिस्पेक्ट कैसे हर्ट हुआ उन्होंने आपसे कहा उसके बारे में कहा होगा ज़रूर नहीं नहीं वो अपनी बात नहीं शेयर करते वो मीडिया में भी कहा उनने शेयर की मैंने उनको मैंने उनका और आसिफ जी का कुछ हुआ है अभी इस, इसकी दैट इज़ द रीज़न घनश्याम ना है क्या नहीं काका का जो अभी नहीं है हमारे साथ सुना है उनके साथ भी बहुत सारा हेसमेंट किया गया था सो so, मेरे सामने जो एक मुझे मालूम है और एक बार एक जो मुझे फिर एक और जन के दो दो, दो जन के थ्रू पता चला था कि मुझे याद है कि एक दिन पहले तो एक दिन मैं रो रही थी तो उनने मेरे को आके बोला मतलब गुजराती में बोला कि कुछ नहीं होता बेटा कुछ नहीं होता ऐसी है यहाँ सब ही इन लोग के दिल नहीं है किसी का कुछ नहीं होता भगवान है ना भगवान देखेगा कुछ नहीं होता इन लोग को कीड़े पड़ेंगे ऐसे उनने मुझे बोला था जब मैं रो रही थी और एक बार वो रो रहे थे मतलब ऑलमोस्ट ऐसे पूरा रो रहे थे तो मैंने उनको बोला क्या हुआ तो उनने ऐसे ऐसे मतलब गिड़गिड़ाते टाइप्स बोला कि सोहेल बहुत बदतमीजी करता है इस टाइप से तो मैंने बोला मतलब मुझे भी खराब लगने लगा तो मैंने बोला कि नट्टू काका आप जानते हो ना कैसे वो डिकरा देखना भगवान है ऐसे करके उनने इतना बोला था और एक जन के साथ और ऐसा हुआ था जिसने मुझे बताया अभी भी रिसेंटली कि तब भी वो ए, सेम ऐसी रो रहे थे और उन उस तब नट्टू काका ने बोला था कीड़े पड़ेंगे इसको कीड़े सोहेल को ऐसा वो करता है मतलब वो सोहेल सबसे बदतमीजी करता था आसिफ जी को मैंने कभी नट्टू काका के साथ बदतमीजी करते नहीं देखा ही वॉज वेरी रिस्पेक्टफुल मतलब मेरे सामने तो कभी कुछ नहीं हुआ uh, जत लेकिन सोहेल वाज वेरी रूड ऑलवेज एंड इन दैट केस जतिन आल्सो कई बार बट जतिन वाज आल्सो नॉट रूड बट जतिन वो थोड़ा क्या बोलेंगे ना ऐसे था मतलब वेरी इनसेंसिटिव ऐसे ऐसी जवाब दे देता था आपका रिश्ता दिलीप जी और मुनमुन के साथ कैसे तो so, दिलीप जी के साथ मेरा बहुत uh, अभी अभी खास करके लास्ट टू इयर्स बहुत मजा आती थी मुझे उनके साथ तो मैं सो तो, अंबिका और मैं मैसेस हाथी हम दोनों को बहुत मजा आती थी कुछ भी फ़नी चीज़ें हम लोग करते थे और सर को जाके हम लोग को बतानी होती थी तो ऐसे ही बस उनको मज़ा आता था हमको उनको हंसाना है हम दोनों ऐसे फ्रेम करके जाते थे जैसे जब गुटर गुटरगू सीरियल आया था तो अंबिका और मैं ऐसे बैठे थे बोला ये तो सीरियल अपना ही है अपन दोनों के डायलॉग नहीं अपते सीरियल में गुटरगू अपन दोनों ही हैं तो हम दोनों को हंसी आने लगी तो सर को जाके बताना है। तो हम दोनों जाके सर के सामने से खड़े हो गए सर बोलते बोलो तो बोलते नहीं बन रहा हम लोग को फिर फाइनली हम लोग लो सर हम दोनों गुटरगू वाले हैं <laughs> तो खूब हंसे थे ऐसे कुछ कुछ हम लोग का मस्ती चलता था दिलीप जी से दो साल लास्ट दो साल से मेरी बहुत क्योंकि मैं पहले टीवी नहीं देखती थी सडनली आई स्टार्टेड वॉचिंग टीवी एंड वेब सीरीज तो वो मुझे आए दिन वेब सीरीज बताते थे और फिर जब वो वेब सीरीज़ देख के फिर जब हम खाना वाना खाते थे तो वो उसका डिस्कशन एंड इतनी अच्छी अच्छी उन्होंने मुझे वेब सीरीज़ बताई तो वो एक डिस्कशन था दूसरा जैसे मैंने बताया कि मैं सेट की थोड़ी पीठ पीछे की जाके बातें उनको मस्ती वाली बताती थी तो उनको बहुत मज़ा आता था और मैं थोड़ा कभी थोड़ा नोटी भी हो जाती थी तो किसी को कुछ थोड़ा टांग खींची किसी का कुछ तो वो मैं उनको जाके ऐसे बताती थी कि मैंने ऐसा किया और कभी कभी सटकती भी थी मेरी कोई अगर मेरा कुछ ज़्यादा किसी ने कर दिया ना तो मैं फिर बहुत मुँफ होकर बोल देती थी तो वो मैं जाकर उनको बताती थी कि सर नो, मेरी सर मैंने मेरी ना बोल दिया ऐसा तो बोले तू पागल ऐसे <laughs> करके वैसे बोलते थे तो उनसे बहुत स्वीट रिलेशन तो बहुत वो हमेशा पूरी यूनिट का सोचते हैं बहुत आ... पर आपने मुनमुन -मुन के बारे में कुछ बोला ही नहीं मुनमुन <laughs> -मुन के साथ मेरी बहुत बहुत अच्छी दोस्ती थी जब मेरी बेटी पैदा हुई थी आ, शी वॉज द फर्स्ट वन टू गेट अ कॉल आफ्टर ट्वेंटी एंड पंद्रह बीस मिनट बाद मैंने उसको फोन कर था मैंने कहा मोन बेटी हुई है हम दोनों खुशी से चिल्लाए थे शी वॉज वेरी क्लोज टू मी वंस अपन अ टाइम बट टाइम्स वो एक अलग उसका काफ़ी सारी चीज़ें हो गया अलग फ्रेंड सर्कल हो गया इंस्टा और ये वो थोड़ा एक अलग चीजें हो गया मैंने हाँ। समझा नहीं मैं मतलब उसका उनकी इंस्टा फॉलोइंग बहुत सॉलिड हो गई <laughs> मतलब वो अपने काम में थोड़ा मसरूफ हो गई और भी चीज़ें हो गई ना अब इसका जो कोलाब्रेशन एंड एवरी वो एक हो गया उसका फ्रेंड सर्कल अलग हो गया जो दिव्यानी uh, ये सब जो हैं इन लोग के साथ एक उसका एक अलग रिश्ता थोड़ा उधर ज़्यादा दोस्ती हो गई वो थोड़ा अपने आप सबसे ही कट ऑफ हो गई धीरे uh, धीरे वो मेरे से भी कुछ ऐसा स्लोली विद टाइम यू नो कट ऑफ हो गई वो कट ऑफ इसलिए हुई क्योंकि वो भी तारा के माहौल से चिड़ चुकी थी या फिर uh, वो स्टैचर में बड़ी हो गई नो सो इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग गर्ल वेरी स्ट्रोंग आई विश आई कुड बी लाइक हर फ्रॉम द बिगनिंग वो वो हमेशा सबके लिए खड़ी भी होती है एंड वो सच और सही भी बोलती है जब जब बोलना है जहाँ पर बट वो अम, कुछ अगर गलत हो रहा है उसके साथ तो वहीं पर उसको वो कर देगी जैसे मैं हूं ना मैं दब जाती तू तो प्रिया मुनमुन ये दो और मोनिका ये तीनों जो ये वही चीज को खत्म कर देंगे खास करके मुनमुन आपने कहा कि मुनमुन जब भी कुछ गलत होता था वो उस वक्त ही मुंह खोल के बोल देती थी हाँ मतलब उसका वो तरीका है वो अपना जो भी उस देखो सब जान मतलब सब मतलब जो भी प्रोडक्शन वाले हैं वो जानते हैं कि वो शी विल नॉट टेक इट तो उसके साथ उतना कुछ करते भी नहीं थे कभी पर हाँ क्योंकि वो नामचीन एक्ट्रेस है बहुत समय से शो में रही है इंसेप्शन से आई थिंक जब ये सारी चीजें हो रही है जो बहुत बहुत बवाल मचा चुका है प्रिंसिपली रॉन्ग है पैसे का हो सेक्सुअल हैरेसमेंट का हो उनसे एक शब्द हम लोगों ने नहीं सुना है डू फील समवेयर लेडी टू लेडी वुमन टू वुमन एक्टर टू एक्टर उनको खोलना चाहिए अपना मुंह ये देखो सबका अपना चॉइस होता है इसमें मैं कैसे बोल सकती हूँ अगर उसको नहीं बोलना है और भी बाकी आ, कलीग्स को अगर नहीं बोलना है तो आई आई एम नॉट नो वन टू से आई नो बट किसी को शायद अभी वो कोर्ट केस कचहरी ये सब चक्कर में नहीं पड़ना हो वो वाली चीज़ भी है ना अभी मेरे को जब मैंने किया था तो माई हजबैंड टोल्ड आई एम विथ यू ऑलवेज वट एवर यू टेकिंग यू हैव टू गो फिजिकली टू द कोर्ट यू हैव टू गो फिजिकली टू द पुलिस स्टेशन यू हैव टू गो गिव इन यू ना तुमको करना है मेहनत तुम्हारी है यू बी इफ यू आर रेडी देन डू इट एक्सपेक्टेशन नहीं है उनसे या कुछ लोगों से नहीं कब मेरे को बिल्कुल टचवुड आई एम वेरी हैप्पी क्योंकि मुझे शुरू से था कोई नहीं बोलेगा कोई अगेंस्ट भी नहीं बोलेगा ये भी मालूम था लेकिन बिच बस ये गड़बड़ हुआ एक चीज जो आपने कहीं नहीं कहा है और आप मेरे में कहना चाहेंगे सो so, uh, दो चीजें जो मुझे इस वक्त ध्यान आ रही हैं कि नंबर वन लाइक आई अर्लियर इशो में अभी मैंने नहीं बोला हालांकि माय ब्रदर एक्सपायर्ड इन सितंबर एंड एक चीज जो किसी को नहीं मालूम है कि व्हेन उन 2013 थाउजेंड थर्टीन मेरे फादर एक्सपायर्ड तो उनके एक्सपायर होने के बाद मैंने हमारे कैमरा मैन है आमिर विरानी जी को बोला था कि माई फैमिली माई शिफ्ट टू मुंबई तो प्लीज़ मेरे ब्रदर को अपने इसमें ले लो आप थोड़ा एक ट्रेनिंग दो पैसा वैसा मत देना चलेगा तो उन्होंने बोला तो ओके ही प्रॉमिस्ड मी एंड सडनली मुझे अप्रैल में निकाल दिया गया सीरियल से एंड देन माई फैमिली शिफ्टेड इन मे एंड देन माई ब्रदर के टू तारक मेहता एंड वो वहाँ पर एज अ कैमरा असिस्टेंट ही वॉज जस्ट लर्निंग आफ्टर ऑलमोस्ट ट्वेंटी डेज़ के बाद सडनली एक दिन सोहेल आया और उससे मेरे भाई की तरफ ऐसे देखा और आमिर जी को उसने बोला कि इसको निकालो यहाँ से तो आमिर जी ने आके मेरे ब्रदर को बोला कि रोनन भाई प्लीज़ ऐसा ऐसा है आप जाओ मैं बाद में बात करता हूँ वो चला गया तो उसने मेरे को उसने मुझे सिर्फ इतना ही बताया आसिफ जी को पता चला था कि जेनेफर का भाई है जिसको हम निकाल चुके हैं अब ये बाहर कुछ खबर ना पहुँचा सो आई वॉज आई फिल्ट सो हर्ट कि उसने क्या किया यार वो बेचारा वहाँ काम कर रहा था अभी हो सकता है वहाँ उसका अगर करियर हो जाता बिकॉज ही इन अ वे ही वेंट बिकॉज ऑफ डिप्रेशन उसका लाइफ में ऐसा कुछ हुआ नहीं तो वो शायद बचता एक वो बात थी दूसरी एक थी कि दिस इज़ वेरी फनी सो द थिंग इज़ आफ्टर दिस होल थिंग केम आउट स्पेशली इलेवेंथ ऑफ मे को तो कलेक्ट्रेट नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन एंड नेशनल वुमेन एंड चिल्ड्रन सम डिपार्टमेंट हैव आज द प्रोडक्शन हाउस टू मेक अ इंटरनल कंप्लेन कमिटी आईसीसी पंद्रह साल बाद इनने मेरे हरासमेंट के बाद इंटरनल कंप्लेन कमिटी बनाई है जिसके थ्रू मुझे लेटर आया है मुझे मेल्स आए हैं पोस्ट से आए हैं आप आओ हमारे पास हम आपका सॉल्यूशन करेंगे हम प्रोड्यूसर के खिलाफ भी सख्त एक्शन लेंगे हम आपका पैसा भी वापस दिलाएँगे और हम पूरा चीज़ सॉल्व करेंगे अभी इंटरनल कंप्लेंट कमेटी के मेंबर्स कौन हैं हमारे यहाँ के हेड्रेसर हमारे यहाँ के अकाउंटेंट जो जहाँ भी काम कर रहे हैं उनकी पर्सनल असिस्टेंट और कुछ ऐसी लेडीज़ जो वहाँ पर भी काम कर रहे हैं ये उस आई सी सी के आ, ये है मतलब मैंने उस प्रोड्यूसर के खिलाफ सेक्शल हेरासमेंट का किया आपके ही नीला फिल्म्स के अंदर आप आईसीसी बना रहे हो जहां पर आप बोल रहे हो कि मैं हमारे पास हो हम करेंगे मतलब डिसाइड बेसिकली कौन करेगा आसित मोदी मतलब क्या है अक्कल है कि नहीं कि क्या है वॉट आई डोंट नो तो मेरे को the, मेरे वकील ने यही बोला कि जी नहीं उन लोग सिर्फ इसमें मजबूरी में आके उनको करना पड़ा है क्योंकि साइन भी वो लेटर भी कैसा आया ऐसा पूरा लिख के लास्ट में फॉर मेंबर वो मेंबर का नाम नहीं कोई प्रेसिडेंट कुछ वो नहीं स्टैम्प भी नहीं एंड दे एक्सपेक्ट मी कि आई विल गो देयर एंड आई विल मैं उनसे मेरा कॉम्प्रोमाइज़ जो भी सब कराऊंगी बेसिकली द थिंग इज नाउ दे दे आर फीलिंग अभी कोई पॉइंट है नहीं ग्यारह तारीख के बाद आज इन लोगों ने कुछ बोला नहीं है एक बार भी एक वर्ड भी मतलब सोहेल का बीच में ग्यारह बारह तारीख को एक स्टेटमेंट था कि जेनेफर इज़ इन डिसिप्लिन फलाना ठिकाना और सत्रह अठारह तारीख के आसपास एक स्टेटमेंट था कि शी इज़ माई फ्रेंड और हम देते हीलिंग कराता हूँ मैं तो मेरी बहुत क्लोज फ्रेंड है तो सडनली स्टेटमेंट चेंज है और उसके बाद एक भी स्टेटमेंट नहीं क्यों एक भी स्टेटमेंट नहीं बोलो ना मैं तो चाहती हूँ बोलो आप बोलो कुछ तो बोलो मेरे लिए आई वॉन्ट आई एम वेटिंग अब बोलो अब तो मैं देखती हूँ क्या लगता है आपको बोलेंगे है ही नहीं ना कुछ क्या बोलेंगे उनको मालूम है मैं सच बोल रही हूँ उनको मालूम है मेरे पास सब प्रूफ है उनको ये भी मालूम है थैंक यू जेनिफर आपने बोला थैंक यू लवली दैट यू केम एंड लॉट्स ऑफ लव टू योर लवली डॉटर ऑल्सो एंड आई रियली होप कि आपको जस्टिस मिले एंड लाइक ए सैड बहुत इनर स्ट्रेंथ की जरूरत होती है कि आकर बाहर बात करना जैसे से कि एक लोन रेंजर अलोन आप खड़ी हुई हैं जंगल में <laughs> और वॉइस रेस कर रही है इसी में आपकी अंदर की ताकत दिखाई देती है एंड आई विश यू द बेस्ट एंड आल्सो विश कि आपको जस्टिस मिले थैंक यू थैंक यू सो मच फॉर दैट इट वाज लवली कमिंग हियर एंड आई रियली लव्ड इट आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड फॉर हां थैंक यू थैंक यू